बिलासपुर हाईकोर्ट ने जोगी जाति मामले में दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है। उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट पर बहस पूरी होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर तय हुई है। छानबीन समिति की रिपोर्ट की मांग करते हुए जोगी ने याचिका लगाई थी। जोगी जाति मामले में 27 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। एफआईआर पर अंतरिम राहत के लिए दायर की गई थी याचिका, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई है। उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट पर बहस पूरी हो चुकी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जोगी जाति मामले में दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है। उच्च छानबीन समिति की रिपोर्ट पर बहस पूरी होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर तय हुई है। छानबीन समिति की रिपोर्ट की मांग करते हुए जोगी ने याचिका लगाई थी। बता दें बिलासपुर हाईकोर्ट ने जोगी जाति मामले में एफआईआर दर्ज में अंतरिम राहत के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हाईकोर्ट ने जोगी जाति मामले में एफआईआर दर्ज अंतरिम राहत की जो दायर है, जो याचिका दायर की गई थी उसको बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? ये याचिका जो अजीत जोगी ने लगाई थी, ये अंतिम जो सिविल लाइन थाने में उनके खिलाफ 420 के खिलाफ जाति मामले में जो मामला दर्ज हुआ था उसके खिलाफ थी याचिका। अब इस मामले में अभी जो हाईकोर्ट में सुनवाई है वो लगातार जारी है अभी उसमें, और इस मामले में कल भी सुनवाई होना है। अभी इसमें अभी जो छानबीन समिति की रिपोर्ट थी जिसकी डिमांड जोगी के वकील द्वारा की गई थी, ये रिपोर्ट अभी पेश कर दी गई। आज इसमें जो बहस है वो पूरी हो गई है। हालांकि कल जो सरकार के द्वारा जो छानबीन समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी उस रिपोर्ट में सरकार ने साथ ही एक आपत्ति भी लगा दिया था कि ये रिपोर्ट जोगी चूंकि आरोपी स्वयं है इस मामले में, इसलिए उनको रिपोर्ट देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब आज इस मामले में हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है और मामले की सुनवाई कल भी होगी, और उसके बाद फिर जो है वो चीजें सामने आएगी कि जोगी को राहत मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र।